Hello, welcome to the new class today, in which I am going to bring a cluster of some errors in the sentences related to conjunctions. Conjunctions से related बहुत सारी गलतियाँ हमारे sentences में हो जाती है, उनको लेके आज मैं आया हूँ इस क्लास में. I hope you'll enjoy the class and learn the best. So, सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज में कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा जिनमें कंजंक्शंस की गलतियां होंगी. आपने उनको कैसे फाइंड आउट करना है और फिर कैसे उनका रेक्टिफिकेशन करना है, ये यहाँ पे सीखना है. हर गलती के साथ हम हर एक सेंटेंस पे हर एक गलती का एक्सप्लेनेशन आपको देंगे. तो चलो, पहले सेंटेंस है हमारा, यू कैनॉट राइज. अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, यू cannot rise until you move in that company. Sentence पूरा देख रहे हैं आप लोग क्या है. आप कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप बैड कंपनी में रहते हैं. तो ठीक है, देखो रूल्स के साथ साथ सेंस ज्यादा मैटर करता है इंग्लिश लैंग्वेज में. तो देखिए यहाँ पे यू कैन नॉट राइज, आप तरक्की नहीं कर सकते अंटिल, जब तक आप बैड कंपनी में नहीं रहते हैं. अंटिल का मतलब जब तक नहीं होगा. तो क्या इसका सेंस बना कुछ, हम कहना क्या चाहते हैं. इसी सेंटेंस से हमने एकदम से फॉलो करके सोचना है कि क्या यहाँ पे स्पीकर के मन में है. तो हमारे कहने का ये मतलब है, आप जब तक बैड कंपनी में है तरक्की नहीं कर सकते, सेंस तो ये होना चाहिए. तो जब तक बैड कंपनी में है तो इसके लिए क्या, अंटिल नहीं आएगा, बल्कि क्या आना चाहिए, एज लॉन्ग एज. तो हम सीधा लिख देंगे, यू कैन नॉट राइज एज लॉन्ग एज यू मूव इन दैट कंपनी, राइट. आई थिंक यू गॉट इट. नाउ दूसरा सेंटेंस हम कुछ इस तरह का बनाते हैं, आई विल वेट एज लॉन्ग एज यू कम. इसका मतलब क्या है, आई विल वेट एज लॉन्ग एज यू कम. तो एज लॉन्ग का मतलब जितने लंबे समय तक. तो कोई सेंस बना है इसका, हम कहना ये चाहते हैं कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं इंतजार करूंगा. सेंस तो ये है, क्योंकि हम इंतजार तभी तक करेंगे ना जब तक कोई आया नहीं है. जब आ गया तो इंतजार उसी समय खत्म हो जाएगा. तो सेंस यहाँ पे ये बनता है कि जब तक तुम आते नहीं हो तो इसके लिए हम एज लॉन्ग एज नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके अंटिल क्या आ जाएगा, अंटिल आ जाएगा. और बाकी हम ऐसे लिख देंगे, आई विल वेट अंटिल यू कम. अंटिल में नॉट भी छुपा हुआ है. अब आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, अनलेस और अंटिल. अनलेस और अंटिल, इन दो के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, क्योंकि अन जो है इटसेल्फ इज नॉट. अन का मतलब ही नॉट होता है, इसलिए नॉट का यूज नेगेटिव में नहीं आएगा. और कहीं है आया हुआ जानबूझ के एग्जामिनर दे दे आपको, तो आपको उसको एकदम से हटा देना है. तीसरा सेंटेंस इसी तरह का हम बनाते हैं आपके लिए, although he is old. थोड़ा सेंस समझो कि although he is old, हम कहना क्या चाहते हैं, but he cannot run. ठीक है ना, he cannot run a mile. देखो अब सेंस देखो, although he is old but he cannot run a mile. इसमें गलती कहां पे है, आप पहचानने की कोशिश करो, एक मिनट का टाइम है. although हालांकि वो बूढ़ा है, या क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है इसलिए वो रेस नहीं, एक मील भी नहीं चल सकता है. तो क्या बट सही है, तो क्या आना चाहिए यहां पे, ये बट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि ऑल्दो जो है हमेशा क्या करता है, ऑल्दो के बाद या तो कॉमा आता है या क्या आता है, यट आता है। तो यट दो के बाद आएगा, ऑल्दो के बाद कॉमा आता है, कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता है। तो आप लिखेंगे ऑल्दो ही इज ओल्ड कॉमा ही कैन नॉट रन ए वाय, ही कैन नॉट रन ए माइल। क्या ये सही है? थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, ही कैन नॉट लिखा मैंने, लेकिन हमारा सेंस कुछ और है। ही कैन रन ए माइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ही कैन रन ए माइल। इस पूरे सेंटेंस को हम करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेंस के हिसाब से ये बनेगा, ऑल्दो ही इज ओल्ड बट ही कैन रन ए माइल, हालांकि बूढ़ा है लेकिन वो एक मील चल सकता है। लेकिन सेंस ये नहीं है, हमारा मतलब है ऑल्दो ही इज ओल्ड ही कैन रन ए माइल। तो याद रखो ऑल्दो के बाद हमेशा कॉमा आता है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ऑल्दो के बाद हमेशा कॉमा आएगा, राइट? तो ठीक है, चलते हैं आगे, यहीं पे बना लेते हैं थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस। ओके, व्हेन यू कम, when you come then I will start। इस सेंटेंस को आप क्या देखते हैं इसमें, when you will come then I will start, what does this mean? when you come then, गलत। देखिए when के बाद भी कोई कंजंक्शन नहीं आता है, when के बाद कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, तो यहां पे केवल कॉमा आ जाएगा। सही है, व्हेन यू कम कॉमा आई विल स्टार्ट। कई लोग देन लगाते हैं, इफ के बाद भी देन लगा देते हैं, दैट्स ऑलवेज रॉन्ग। यू हैव टू इंडिकेट इट जस्ट विद अ कॉमा, कॉमा लगा के उसको इंडिकेट कर दो। तो व्हेन और इफ के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, व्हेन इफ के बाद हमेशा कॉमा आता है। ये आ गया समझ में? चलिए इसको मिटा देते हैं, चार सेंटेंस हो गए, पांचवे सेंटेंस पे हम आते हैं। पांचवा सेंटेंस बनता है हमारा, इफ ही इज मैड, इफ ही इज मैड देन वी शुड पिटी हिम। सेम पहले की तरह सेंटेंस आया है, इफ ही इज मैड देन वी शुड पिटी। इफ के बाद अभी मैंने प्रीवियस सेंटेंस में बताया था कि इफ के बाद भी कोई कंजंक्शन नहीं आता है, व्हेन के बाद, इफ के बाद, ऑल्दो के बाद, राइट? तो ये हमारा नहीं आएगा, तो इफ ही इज मैड केवल कॉमा लगा देंगे इसकी जगह, वी शुड पिटी हिम, वी शुड पिटी हिम, ऐसे सेंटेंस बनेगा। आप चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस सिक्स पे, when you don't believe me, when you do not believe me, when you don't believe me I'll be silent, I'll be silent। इसका मतलब क्या है? when you don't believe me I'll be silent, when You don't believe me, जब तुम मुझे पे विश्वास करते ही नहीं हो तो मैं चुप रहता हूं। देखो हिंदी के हिसाब से कभी कभी हमें लगता है कि ये सेंटेंसेस आप सही बना रहे हैं, लेकिन यहां पे when नहीं आएगा बल्कि क्या आना चाहिए, अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं तो मैं चुप रहूंगा, कि जब आप मेरे पे विश्वास, अगर आएगा यहां पे कंडीशनल है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस बने तो इफ आएगा यहां पे, इफ यू Don't believe me, I will be absent। तो इसकी जगह केवल if आ जाएगा, और इस तरह से हम बताते सातवें सेंटेंस पे, Unless you don't labor, मतलब क्या है इसका, जब तक आप labor नहीं करते हैं you'll fail, जब तक आप labor नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए इसने,
देखो अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी नॉट नहीं आता है, एक फैक्ट है, क्योंकि अन इटसेल्फ इज नॉट, अभी पीछे मैंने बताया इसी सेंटेंस से कुछ पहले कि जहां अनटिल और अनलेस आ गया उस सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट किस में आ गया, इसमें आ गया, तो हमें यहां देखना नॉट दे दिया तो इसको हटाना है बस। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अनलेस यू, इसको हटा दीजिए, ये क्या है, अनलेस यू लेबर, बाकी ये ऐसे ही आप उतार दीजिए, यू विल फेल, राइट। आठवें सेंटेंसेस पे आप आ जाइए, ही इज एज इफ द स्टैलियन ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल अपने आप को मतलब स्टैलियन समझ रहा है इंडिया का, ऐसा है जैसे कि स्टैलियन है, स्टैलियन है, तो एक इमेजिनरी सिचुएशन यहां पे बन रही है, तो ही इज एज इफ, तो बोलो क्या आना चाहिए यहां पे, ही इज एज इफ ही इज द स्टैलियन ऑफ इंडिया, ही इज, तो हम इसको कैसे करेंगे, ही इज एज इफ तो बिल्कुल ठीक है, एज इफ ही वर द स्टैलियन ऑफ इंडिया, ये बनेगा सेंटेंस। अब सुनो, आपने ही के साथ वर आता है तो वर क्यों है, जब भी इस तरह की इमेजिनरी सिचुएशन आती है जो पॉसिबल नहीं है, जस्ट इट्स कन्फाइंड टू आवर इमेजिनेशन, वी यूज वर, बी इट आई, बी इट यू, बी इट एनीथिंग, कुछ भी हो उसमें वर ही लगाएंगे, चाहे आई के साथ वर आता है, लेकिन यहां पे आई भी होता तो हम वर लगाते हैं, यू के साथ तो वर आता ही है, डोंट वरी, लेकिन यहां पे देखो ना, ही इज एज इफ, वो ऐसे है जैसे कि स्टैलिन है, नहीं स्टैलिन लेकिन एक थिंक है, इमेजिनेशन है, जो चीज है ही नहीं उसको हम इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए हमने वर लगाया। तो ऐसी इमेजिनेशन के लिए जो है नहीं, पॉसिबल नहीं है और जो हो ही नहीं सकती, तो वहां पे वर लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए एट सेंटेंसेस के बाद हम चलते हैं नाइन्थ सेंटेंसेस। चलिए सर, द एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशंस बिगिन फ्रॉम द 15th February, या 15th मत लिखो यहां पर, 15th February। देखिए कैसा सेंटेंस आया, ये एग्जामिनेशंस बिगिन या बिगिन फ्रॉम द 15th January या फरवरी जो भी है, तो याद रखो ये क्या करते हैं यहां पे, examinations begin from आएगा क्या, डेट के आगे कभी फ्रॉम नहीं आता, और दूसरी बात ये है फ्रॉम अगर आए, क्योंकि एग्जामिनेशन का एक टाइम होता है, डे होगा, टाइम होगा, तो डे के आगे क्या आएगा, ऑन आएगा ना, ऑन दैट डे, तो कभी भी इसके साथ फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन किसी डे या टाइम से फिक्स होती है, जिसके आगे हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या किसी टाइम पे होगा तो एट आएगा, तो फ्रॉम बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे, तो हम लगाएंगे ऑन, तो द एग्जामिनेशन बिगिन ऑन द 15th February, राइट। चलिए टेंथ पे आ जाओ, क्या सेंटेंस बनता है टेंथ, द सन रोज बट द बॉय वॉज येट स्लीपिंग, द सन रोज बट द बॉय वॉज येट स्लीपिंग, तो येट क्या है, येट की जगह क्या आना चाहिए यहां पे, अभी तक सो रहा था, तो अभी तक के लिए क्या आना चाहिए, स्टिल आता है यहां पे, तो सारा सेंटेंस ठीक है वैसे, द सन रोज बट द बॉय वॉज स्टिल स्लीपिंग, धूप आ गई थी लेकिन लड़का अभी सो ही रहा था, तो अभी सो ही रहा था, तो यक नहीं आएगा, यक तो अभी तक आएगा, अभी सो ही रहे हो तो थोड़ा सेंस में फर्क है, इसलिए यहां पे आप स्टिल लगाएंगे।
Next sentence, I would prefer to die than surrender. I would prefer to die than क्या आएगा then surrender. यहां पे आप देखो would, would का कॉम्प्लीमेंट है या would का सप्लीमेंट है rather than, कि then अकेला नहीं आता कभी, जो मैं यहां पे लिखा would, would के बाद then कभी नहीं आएगा, इसका पूरा कंप्लीट जो वो है rather than, ये है पूरा सप्लीमेंट है इसका, would का सप्लीमेंट है rather than, अगर would के बाद सिंगल then है तो गलत हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना would के बाद rather than ही आता है हमेशा, तो I would prefer to die यहां पे आएगा rather than surrender, rather than surrender, बाकी ऐसे आ जाएगा I would prefer to die rather than surrender. ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे, 11th सेंटेंस आ गया, 12th 12वां सेंटेंस पे आ जाओ, he did nothing else than weep, he did nothing else than weep. देखो then का तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं comparative degree है ही नहीं, तो then तो एकदम गलत है, तो फिर क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए he did nothing else, nothing but, then कुछ नहीं आएगा, nothing else नहीं आता, nothing but आता है, but weep, रोता रहा रोता रहा, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, तो nothing but ये फ्रेज बनता है पूरा, nothing but, nothing else तो अलग है, ये चीज ही अलग है, लेकिन nothing but weep, राइट, ओके, अब चले हम आगे 13th पे, 13th पे I doubt that he'll come, I doubt that he will come, I doubt, doubt के बाद कभी भी that नहीं आता, doubt के बाद कभी भी that नहीं आता, तो doubt के बाद क्या आता है, या तो if आएगा या whether आएगा, right, तो doubt के बाद that नहीं आता, तो आप क्या बनाएंगे इसका, I doubt whether, double three whether, या यहां पे if भी लगा सकते हैं, if he will come, तो if ज्यादा सही है और whether भी यहां पे बिल्कुल ठीक है, दोनों आ सकते हैं, तो अब चलो next sentence पे, 13 हो गए, 14th पे आ जाओ, 14th 14th sentence हम बना रहे हैं, he is not sure if I shall help him, he is not sure if I shall help him, क्या आना चाहिए इसका, sure if, देखो यहां पे अब हम आपको ये बता दें, sure such, इनके बाद हमेशा that आता है, श्योर सच के बाद दैट आएगा दूसरी क्लॉज में, जैसे हमने क्या बताया था डाउट के बाद इफ, श्योर सच के बाद दैट आएगा, तो यही से पता लग गया आपको श्योर के बाद इफ आ गया, इसको ही इज नॉट श्योर दैट आई शैल हेल्प हिम, इतना आपका आ गया, ये छोटी छोटी चीजें आपके ध्यान में रखनी है, अब ये 14 सेंटेंसेस का ग्रुप मैंने आज बता दिया आपको, इसमें जो कंजंक्शंस के रूल्स हैं वो भी आपको पता लग गए होंगे, जैसे स्टिल येट का भी बताया मैंने, तो अब ये बिल्कुल स्टिल और येट पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम अगली क्लास में, इस क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लेके आएंगे और चीजें आपके लिए, उसमें स्पेशल होगा प्रेपोजिशन की क्या क्या गलतियां हैं, बहुत मेजर टॉपिक है ये भी, तो फॉर नेक्स्ट क्लास गेट प्रिपेयर्ड टू लर्न फ्रॉम प्रेपोजिशंस. And again, I request you to subscribe to my channel. If you are not on the channel, like and share my videos. Okay, thanks very much.